गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो जब भी हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं आज एक सवाल से। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ मोड एक्स लेस देन ए और एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ मोड एक्स ग्रेटर देन ए एंड हेंस इवेलुएट ए में बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एस ए इंटू कॉस एस एक्स बाई एस इंटू डी एस और बी में बोल रहा है इसका भी वैल्यू निकालिए 0 टू इन्फिनिटी साइन एस बाई एस इंटू डी एस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को देखते हैं, इसका सोल्यूशन। द गिवन फंक्शन इज क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ मोड एक्स लेस देन ए और मोड एक्स लेस देन ए का मतलब होता है माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए और एफ एक्स का वैल्यू 0 इफ क्या दिया है मोड एक्स ग्रेटर देन ए। मोड एक्स ग्रेटर देन का मतलब होता है माइनस ए ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा कि मोड एक्स लेस देन ए का मतलब माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए और मोड एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब होता है माइनस ए ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रख लीजिए। तो ये होता है नाउ फोरियर ऑफ एफएक्स बाय डिफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बाय डिफिनेशन लिख सकते हैं इसको, बाय डिफिनेशन फोरियर ऑफ एफएक्स। फोरियर ऑफ एफएक्स क्या होता है, फोरियर ऑफ एफएक्स होता है इंटीग्रेशन 1/√2π इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e का पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, यही होता है। ये इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है और एक्स का वैल्यू क्या है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, तो उसके बीच में लेकिन दो पॉइंट है, एक है माइनस ए और एक है, तो दो पॉइंट अगर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उस इंटीग्रेशन को हम लोग करेंगे माइनस इंफिनिटी से। देखिए, माइनस इंफिनिटी नंबर लाइन में देखने जाएंगे और इधर प्लस इंफिनिटी, उसके बीच में माइनस ए होगा और ये प्लस ए होगा, तो यहाँ पर इससे एक इंटीग्रेट मतलब ये डिवाइड मतलब एक पार्ट होगा, ये एक पार्ट होगा और ये एक पार्ट, तीन पार्ट होगा। तो पहला पार्ट क्या, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए का पावर आई एस एक्स का पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए का पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी का पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हम लोग कहां से सीखे हैं, ये हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल से सीखे हैं। ठीक है, ए से बी के बीच में अगर सी होता है तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते थे कि इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ठीक उसी प्रकार से माइनस ए और ए बीच में आ गया इसलिए उसको इस टाइप से तोड़ दिया। अब देखिए 1/√2π इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए का पावर आई एस एक्स एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स यहां पर लिमिट देखिए माइनस इंफिनिटी से माइनस ए, मतलब x का वैल्यू माइनस ए से छोटा, तो x का वैल्यू अगर माइनस ए से छोटा होता है, x अगर माइनस ए से छोटा तो एफ एक्स का वैल्यू 0, तो इसलिए यहां पर 0 इंटू डी एक्स प्लस माइनस ए टू ए का पावर आई एस एक्स, यहां पर एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, देखिए एफ एक्स इसमें क्या है माइनस ए से ए, माने माइनस ए से बड़ा होगा x का वैल्यू और ए से छोटा होगा, माने माइनस ए से बड़ा होगा x का वैल्यू और ए से छोटा होगा, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब यहां पर 1 इंटू डी एक्स प्लस यहां पर इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी का पावर आई एस एक्स और एफ एक्स का वैल्यू यहां पर एक्स क्या है ए से इन्फिनिटी, मतलब ए से इन्फिनिटी मतलब ए से बड़ा, तो एक्स अगर ए से बड़ा होगा तो एफ एक्स इक्वल टू 0, तो यहां पर 0 इंटू डी एक्स। ठीक है, मतलब ये दोनों टर्म जो है ये दोनों 0 हो गया, मतलब दोनों वैनिश हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/√2π बचेगा माइनस ए टू ए का पावर आई एस एक्स डी एक्स, यही वाला बचेगा। तो
अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1 बाय रूट अंडर 2 पाई तो e का पावर आई एस एक्स बाय आई एस और इसका लिमिट हो जाएगा माइनस ए टू ए। तो यदि 1 बाय रूट अंडर 2 पाई इसमें अगर हम लोग माने अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर पुट कर देते हैं तो 1 बाय आई एस को भी हम लोग बाहर करते हैं 1 बाय आई एस यहां पर हो जाएगा e का पावर आई एस ए माइनस ई का पावर माइनस आई एस ए ये हो जाएगा और इसका होता है 1 बाय रूट अंडर 2 पाई इंटू 1 बाय आई एस और इसका हो जाएगा क्या इसका हो जाएगा 2 आई साइन एस ए। ये फॉर्मूला होता है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखें कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट में ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू होता है 2 आई साइन थीटा। ठीक है तो यहां पर आई आई कट जाएगा यहां पर क्या होगा 2 बाय रूट 2 मतलब इसको रूट 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं तो रूट 2 कट जाएगा मतलब ऊपर में एक तो रूट 2 और नीचे में एक तो रूट 2 रूट पाई रहेगा मतलब रूट अंडर 2 पाई होगा और यहां पर आ जाएगा साइन एस ए बाई एस। ठीक है और फोरियर एफएक्स को हम लोग क्या बोलते हैं एफएस बोलते हैं मतलब ये हो गया एफएस और यही हमको पहला वाला पार्ट मेरा हो गया फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफएक्स जो निकालना था जब एफएक्स इज इक्वल इतना तो वो वाला हम लोग निकाल लिए। नाउ बाय डिफिनेशन ऑफ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर मान लीजिए कि फोरियर ऑफ एफएक्स इज इक्वल टू होता है माइनस इन्फिनिटी से 1 बाय रूट अंडर 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e का पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स देन दिस इंप्लाइज बाय फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हो जाएगा ना ये एफ एक्स इज इक्वल और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको एफ एक्स बोलते हैं। ठीक है ना तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाय इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस आई एस एक्स और एफ एक्स के जो जगह पर हो जाएगा एफ एस और डी एस। ठीक है यही होता है भाई इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन तो इसका वेल्यू अभी हम लोग निकालेंगे 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस आई एस एक्स एफ एस देखिए एफ एस का वेल्यू क्या निकला है फोरियर ऑफ एफ एक्स ये निकला था तो फोरियर ऑफ एफ एक्स को हम लोग एफ एस बोलते हैं तो ये एफ एस के जगह पर हम लोग इस चीज को रख सकते हैं रूट अंडर 2 पाई और साइन एस ए बाई एस और इंटू डी एस। ठीक ना तो अभी 1 बाय रूट अंडर 2 पाई इंटू रूट अंडर 2 बाई पाई को बाहर कीजिए इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एस ए बाई एस इसको लिख दिए अब इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे कॉस एस एक्स माइनस आई साइन एस एक्स ये होता है भाई कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट ट्रिग्नोमेट्री से देख लीजिएगा इंटू डी एस तब क्या होगा ये रूट टू कट जाएगा तो 1 बाय रूट पाई और यहां 1 बाय रूट पाई बचेगा मतलब 1 बाय पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यहां पर साइन एस ए एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस एस एक्स के साथ तो कॉस एस एक्स बाई एस इंटू डी एस। ठीक है माइनस यहां पर आई बाई ए 1 बाई पाई माने आई बाई पाई होगा इंटीग्रेशन को भी हम अलग अलग कर दे रहे हैं इसका मतलब यहां पर हो जाएगा साइन एस ए इंटू साइन एस एक्स बाई एस इंटू डी एस। ठीक है अब देखिए क्या है कि ये जो साइन थीटा जो होता है वो होता है ओड फंक्शन और कॉस होता है इवेन फंक्शन तो ओड इंटू इवेन मतलब ऊपर में हो गया ओड और नीचे में ओड बाई ओड मतलब इवेन ये वाला तब इवेन हो गया लेकिन ये वाला क्या हुआ ये देखिए ओड इंटू ओड मतलब इवेन बाई ओड मतलब ओड तो हो गया वो ओड हो गया और ओड में एफ एक्स अगर ओड होता है
तो हम लोग इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल में पढ़े हैं, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि एफ एक्स इवेन होता है तो टू इंटीग्रेशन जीरो टू एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं, अगर एफ एक्स इवेन हो, और एफ एक्स अगर ऑड हो तो डायरेक्ट जीरो। ये वाला चीज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल में देखे हैं। तो देखिए यहां पर माइनस ए टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मतलब माइनस ए टू ए, ये एफ एक्स डीएस एफ एक्स डीएस उस फॉर्म में है, मतलब डायरेक्ट इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा जो है ना पूरा ओड है। तो देखिए बचेगा तब यही वाला माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एस ए इंटू कॉस एस एक्स बाई एस, ये क्या बराबर हुआ, ये एफ एक्स बराबर हुआ था। देयरफोर हम लोग लिखेंगे कि वन बाय पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन एस ए इंटू कॉस एस एक्स बाई ए इंटू डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एफ एक्स। और एफ एक्स मतलब क्या, एफ एक्स मतलब तो ही ना कि एफ एक्स मतलब वन इफ मोड एक्स लेस देन ए और जीरो इफ मोड एक्स ग्रेटर देन ए। तो अगर हम लोग पाई को उधर ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, देयरफोर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एस ए इंटू कॉस एस एक्स बाई एस डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, पाई टू वन बाई पाई टू उधर जाने से इसके साथ पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब दो चीज होगा, एक पाई होगा और इसके साथ पाई मल्टीप्लाई होने से जीरो है ना, पाई इंटू जीरो जीरो। जब ये वन बाई पाई उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर वन के साथ मल्टीप्लाई होके पाई हो जाएगा और जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो ये पाई जब होगा कब ना, जब इफ मोड एक्स लेस देन ए और जीरो इफ मोड एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, देखिए यही हो गया आंसर। अब अगर यदि हम लोग बी नंबर, ये ए नंबर का आंसर हो गया, ये ए नंबर का, अगर बी नंबर का आंसर अगर हम लोग खोजें तो बी नंबर में देखिए कंपेयर कीजिए, इसमें क्या है एस ए और एस एक्स, ठीक है ना, मैंने इसको जीरो करना होगा, इसको वन करना होगा और एस ए के जगह वन लाना होगा, होने से साइन एस रहेगा, ए अगर वन हो जाता है तो साइन एस हो जाएगा और ये वाला इसको वन करना होगा, वन करने के लिए एक्स के जगह जीरो लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग करेंगे पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज इक्वल टू वन, तो क्या हो जाएगा ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन ए और कॉस जीरो का वैल्यू वन हो जाएगा और यहां पर एस बचेगा, डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर हो जाएगा यहां पर जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो है ना, जीरो मतलब क्या, ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि जीरो मतलब वो ए से छोटा होगा, ए से बड़ा नहीं होगा, तो इसीलिए ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब हो जाएगा पाई, ठीक है, मतलब हो जाएगा पाई। और यहां पर देखिए माइनस ए टू ए क्या है, ओड फंक्शन है, क्योंकि सॉरी इवेन है, क्योंकि साइन ए के जगह हम लोग वन रखे थे ना, तो यहां एस, तो साइन एस जो है ओड है, एस भी ओड है, तो ओड बाई ओड मतलब इवेन हो जाएगा, और इवेन होने से वो जो बोले थे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल से, माइनस ए टू ए को हो जाता है टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए है ना, माने जीरो टू इन्फिनिटी साइन एस बाई एस डी एस इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, और जीरो टू इन्फिनिटी साइन एस बाई एस डी एस इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये हो गया आंसर, ठीक है। अगर समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, धन्यवाद।